हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अमेजन से एक यूटेंसिल रैक ऑर्डर किया था, तो वो डिलीवर हो चुका है। जिस दिन आना था उससे एक दिन पहले ही आ चुका है। और ये 5 लेयर का एक यूटेंसिल रैक है, और इसका जो साइज़ है 30x30 इंच ऐसा लिखा था। तो इसको ओपन करके देखते हैं ये कैसा आया है। और इसको आपको घर पर ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे पैकेजिंग में आता है। इसके साथ स्क्रू वगैरह दिया हुआ रहेगा, और ये वॉल माउंट कर सकते हैं आप, और ऐसे भी रख सकते हैं। वॉल माउंट करने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। काफ़ी वेट है इसका। और ये डिफरेंट डिफरेंट सेलर के पास से अगर अगर आप देखेंगे तो प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट है। करीबन इसका जो प्राइस है ये पड़ा है 1899 रुपीज़। और इससे शुरू होता है। ये सेम रैंक ही दूसरे सेलर के पास मैंने 2000 2200 ऐसे में भी देखा है, और प्राइस भी कम या ज़्यादा होता रहता है। इसके साथ कोई भी मैनुअल नहीं आया है, जिसको देख के मैं इसको लगा पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो अपने अंदर से करना पड़ेगा। ये सारे साइड के पार्ट्स हैं, ये रैक है। ये स्पून के लिए कुछ है। ये देखिए, ये स्क्रू वगैरह है, सब कुछ दिया हुआ। इसको लगाना पड़ेगा अभी। देखिए, ये जो है इसको मैंने ऐसे सुला दिया है। अभी ये वो जो नीचे वाला जो रैक है उसको अटैच कर रही हूँ, तो इधर आपको गैप मिल जाएगा। तो इसमें स्क्रू को डाल के इसको धीरे धीरे हाथ से घुमाएंगे। अगर स्क्रू ड्राइवर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो। ये देखिए, नहीं सामने नहीं आ, इधर से इसको इंसर्ट करना है। अगर स्क्रू ड्राइवर है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं है तो कोई नाइफ या मदद ले सकते हैं। देखिए, अंदर चला गया, अभी थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो गया, बाद में इसको स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा टाइट कर लेंगे। तो इस साइड का ये हो गया। अभी दूसरे साइड में इसको लगाएंगे। तो दिखाई दे रहा है क्या वीडियो में? देखिए, इधर ऐसे होल बना हुआ है, तो इसमें इसको ऐसे अटैच करेंगे। एक स्क्रू ले लेंगे,
देखिए मैंने इसको गलत लगा दिया, नीचे एक्चुअली ये वाला रैक आएगा क्योंकि इधर दो होल है तो इसमें डिवीशन आएगा, तो ये ऊपर जाएगा और एकदम नीचे जो है वो प्लेन वाला रहेगा। तो इसको मैं चेंज कर लेती हूँ उसके बाद लगा। ये मैंने चेंज कर लिया है, अभी नेक्स्ट जो रैक है उसको लगा लेंगे, वो इधर होगा इस तरीके से। ये देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है, तो ये बीच वाला जो डिवीजन है इसको अभी लगा लेंगे। इसके साथ कोई मैनुअल नहीं आया है, नहीं तो ये थोड़ा आसान हो जाता समझने में। वो अमेज़न का जो पिक्चर है उसको देख देख के बनाना पड़ता है। ये हो गया अभी इधर शायद, हाँ ये वाला रैप आएगा यहाँ पर, इसको भी फिक्स कर लेते हैं सेम तरीके से। देखिए ये मैंने पूरा सेट कर लिया है, लेकिन ये जो ग्लास रखने का जगह है ना, तो इसको आप जिधर भी सेट करना चाहे उधर सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर से ये स्क्रू खोल के इसको सेट करके उसके बाद इस स्क्रू को लगाना है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से स्क्रू या जगह नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसको भी सेट कर लेंगे और लास्ट में एक बार दिखा देंगे कि ये कैसा हुआ है। और ये स्क्रू वाला भी सेम इसी तरीके से लगाना है। देखिए दोस्तों इसको मैंने पूरी तरीके से सेट कर लिया है, और साइड में जो ये कुछ सामान रखने का जो था वो उसको भी लगा लिया है, इसमें छोटा मोटा सामान लगा सकते हैं। और दूसरी साइड में जो ग्लास रखने की जगह था उसमें मैंने एक फिट किया, दूसरा जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। आप चाहे तो इस जगह पर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कॉमेंट करके बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।